News 18, India. और आज से संसद का बजट सत्र शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये उनका लगातार छठा बजट होगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि आम चुनाव से पहले पेश किए जा रहे इस बजट में जो मिडिल क्लास है यानी मध्यम वर्ग, उसके अलावा फार्मर्स, किसानों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कई योजनाएं पेश की जा सकती हैं। साथ ही साथ इस सत्र में जम्मू कश्मीर से जुड़ी वित्तीय बिल भी पेश किए जाएंगे। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को भी संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और यह अंतरिम बजट होगा लोकसभा चुनावों से पहले। एक तरह से कहा जाए तो यह अब आखिरी बजट होगा इस सरकार का और यह बजट आम चुनाव से पहले पेश होने वाला है। मोदी सरकार का अंतरिम बजट है जिसमें मोदी की गारंटी की झलक देखने को मिल सकती है। इसलिए इस बजट में जो यूथ है, युवा है, महिलाएं हैं और किसान हैं, उनके लिए काफी सारे ऐलान हो सकते हैं। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इस बजट में कौन से बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो ऐसे में कम ब्याज पर होम लोन मिलेगा, ये बजट में जो रूपरेखा उसकी किस तरह से हो सकती है। एनपीएस में सोशल सिक्योरिटी जो है वो दी जा सकती है। किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। किसानों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा, इसका भी प्रावधान इस बजट में रखा जा सकता है। महिला योजनाओं के लिए बजट जो है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है और महिलाओं को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा, ये भी एक बड़ी योजना इस बजट के तहत हो सकती है। महिला और साथ ही साथ किसानों को अधिक सम्मान निधि दी जाएगी। उसके अलावा मनरेगा में महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, ये भी इस बजट में प्रावधान हो सकता है। उसके अलावा महिलाओं को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा जिससे महिलाओं को बढ़ावा मिले। आयुष्मान योजना में इंश्योरेंस कवर में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। तो इस बजट की कुछ हाईलाइट्स हम आपको बता रहे हैं जो हो सकते हैं इसमें प्रावधान। शिक्षा और स्किल को बढ़ाने पर पूरी तरह से फोकस इस बजट में रह सकता है। क्या कुछ खास है इस अंतरिम बजट में? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार, यानी उसको विस्तार एक तरह से मिल सकता है। उसके अलावा ग्रामीण रोजगार योजना के बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है। रेलवे, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जो मोदी सरकार का विजन है उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये बजट में क्या क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो आम चुनाव से पहले पेश हो रहे मोदी सरकार के अंतरिम बजट में महिलाओं को फोकस में रखकर पेश किया जाएगा। ऐसे में महिलाओं से जुड़े कई बड़े ऐलान संभव है। अंतरिम बजट में महिलाओं की योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। पिछले 10 सालों महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च 30% तक बढ़ चुका है। महिलाओं को लाभ देने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी बड़ी योजना का भी ऐलान हो सकता है। महिलाओं के लिए कौशल विकास योजना का भी ऐलान संभव है। महिला किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाकर सालाना 12,000 किया जा सकता है। मनरेगा योजना में महिलाओं को विशेष आरक्षण के साथ ही अधिक मानदेय का भी ऐलान हो सकता है। अलावा इसके महिलाओं को बिना ब्याज के लोन देने की योजना का भी ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को मोदी सरकार पूरे देश में लॉन्च करने का भी ऐलान कर सकती है। तो ये हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इस बार के बजट में किन किन क्षेत्रों में फोकस दिया जा सकता है। किसी भी बजट में सबसे ज्यादा उम्मीद नौकरी पेशा वाले लोगों को होती है। उनके लिए इस अंतरिम बजट में काफी कुछ खास होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है। इसके तहत इनकम टैक्स में छूट देकर सरकार मध्यम वर्ग का बोझ कम कर सकती है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार 1.5 लाख रुपए सालाना से ज्यादा टैक्स में छूट दे सकती है। इसके अलावा पीपीएफ और इंश्योरेंस में भी टैक्स छूट बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ बीमा पॉलिसी को भी सरकार जीएसटी से बाहर रखने का बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे आम आदमी के लिए बीमा के प्रीमियम का बोझ कम होने की उम्मीद है। इससे इंश्योरेंस बढ़ेगा और सीधा सीधा सरकार को इससे फायदा होगा, लाभ मिलेगा।